होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे आज हम होटल से चेकआउट करेंगे और सबसे पहले बढ़ेंगे देलवाड़ा मंदिर की ओर। आधे घंटे में करीबन सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान में माउंट आबू की हरी भरी अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित देलवाड़ा जैन मंदिर अपनी असाधारण वास्तुकला और अद्भुत संगमरमर के पत्थर की नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है, जिसे बनाने में 14 साल लगे थे। कुछ विशेषज्ञ इस वास्तुशिल्प रूप को ताजमहल से भी बेहतर मानते हैं। देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है जो 5 जैन तीर्थंकरों को समर्पित है और इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। श्री आदिनाथ मंदिर या विमल वसाही मंदिर, ये मंदिर 1031 ईस्वी सन में गुजरात के सोलंकी शासक विमल शाह द्वारा बनवाया गया है। ये मंदिर सबसे पुराना है और पहले जैन तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर में आदिनाथ जी की मूर्ति की आंखें असली हीरो से बनी हुई है। श्री नेमिनाथ जी मंदिर, ये मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी को समर्पित किया गया है। देलवाड़ा जैन मंदिरों की सभी सफेद संगमरमर की मूर्तियों से हटकर श्री नेमिनाथ जी की मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है। श्री पार्श्वनाथ मंदिर, ये मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। श्री ऋषभदेव जी मंदिर, इस मंदिर को पीतलहर मंदिर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में ऋषभदेव की मूर्ति पंचधातु से बनी हुई है। इस मूर्ति का वजन 4 टन अर्थात 4000 किलोग्राम है। ये मंदिर पहले जैन तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को समर्पित है, जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है। श्री महावीर स्वामी मंदिर, ये मंदिर आखिरी अर्थात 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। देलवाड़ा जैन मंदिर के हर पहलू में श्रमिकों की उच्च गुणवत्ता वाली शिल्पकला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो इसे वास्तव में अद्वितीय और विशिष्ट बनाती है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार पूरी तरह से नक्काशीदार छतें, दीवारें, मेहराबें और स्तंभ विलक्षणीय हैं। आश्चर्य की बात यह है ये सब ऐसे समय में बनाया गया है जब माउंट आबू में 1200 मीटर की ऊंचाई पर कोई परिवहन या सड़क उपलब्ध नहीं थी। संगमरमर के पत्थरों के विशाल खंडों को माउंट आबू के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र अंबाजी में अरासुरी पहाड़ियों से हाथी के पीठ पर ले जाया जाता था। एक बात का विशेष ध्यान रहे, देलवाड़ा मंदिर परिसर के अंदर वॉलेट, बेल्ट, जूते, सेलफोन और कैमरा पूरी तरह से निषिद्ध है। यदि आपके पास ऐसा कोई सामान है तो वहां सशुल्क लॉकर की सुविधा उपलब्ध है जहां आप आपका सामान रख सकते हैं। और हाँ, मंदिर में छोटे कपड़ों की भी अनुमति नहीं है, तो इसका भी ध्यान जरूर रखें। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है। देलवाड़ा मंदिर अविश्वसनीय कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संयोजन है। यहाँ आने वाले पर्यटक शांति और परम शक्ति के साथ एक दिव्य जुड़ाव का अनुभव करते हैं। देलवाड़ा जैन मंदिरों में अच्छा खासा समय बिताकर दोपहर करीबन 12 बजे अब हम बढ़ेंगे माउंट आबू एडवेंचर्स की ओर। आधे घंटे में दोपहर करीबन 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। माउंट आबू के 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक सदाबहार वन क्षेत्र को वन विभाग की अनुमति से 18 प्रमुख ट्रैक और ट्रेल्स के माध्यम से खोजा जा सकता है। माउंट आबू के जंगल में ट्रैकिंग से ऑर्किड, जंगली गुलाब जैसे दुर्लभ वनस्पतियां, भालू, तेंदुआ और मृग आदि जैसे विविध जीव, तो हरी मुनिया, लाल मूछ वाले बुलबुल, किंगफिशर आदि जैसे दुर्लभ पक्षियों के दर्शन होते हैं। माउंट आबू में आने वाले कई पर्यटकों को इस प्रकृति की गोद में रहने की इच्छा होती है और इसी कारण यहाँ
प्राथमिक सुविधाओं के साथ कई शिविर स्थल है। श्री दलपत सिंह राठौड़ को माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में बेहतरीन साहसिक टूर प्रदाता माना जाता है। वन और पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित पेशेवर और अच्छी तरह से अनुभवी श्री दलपत सिंह राठौड़ जी का माउंट आबू की शुद्ध प्रकृति में सबसे अच्छा कैंप साइट माउंट आबू एडवेंचर्स है। चेक इन करें और आज का लंच हम माउंट आबू एडवेंचर्स के हरे भरे वातावरण में ही एंजॉय करने वाले हैं। लंच के बाद दोपहर करीबन 3 बजे हम जाएंगे माउंट आबू एडवेंचर्स आयोजित ट्रैकिंग और केविंग के लिए। अच्छे ग्रिप वाले जूते जरूर पहने। माउंट आबू एडवेंचर्स के एक्सपर्ट गाइड के मार्गदर्शन में जंगलों से ट्रैक करते हुए और बीच रास्ते में पड़ने वाले जंगली पशुओं की गुफाओं से गुजरना एक विलक्षणीय अनुभव है। इसे बिल्कुल भी मिस न करें। ट्रैकिंग से लौटने के बाद शाम को बॉनफायर और स्वादिष्ट डिनर का लुफ्त उठाएंगे। डिनर के बाद हम हमारे तंबू या टेंट में सोने के लिए चले जाएंगे। ऑक्सीजन से परिपूर्ण माउंट आबू के जंगल में एक तंबू के भीतर रात गुजारना एक अलग ही अनुभव है। माउंट आबू एडवेंचर्स में विविध पंछियों के चहकने वाले नेचुरल अलार्म क्लॉक से उठकर फ्रेश होकर और नाश्ता कर सुबह 9 बजे हम चेकआउट करेंगे और माउंट आबू के अविस्मरणीय पलों को संजो के 7 nights and 8 days के लंबे टूर के बाद हम बढ़ेंगे आमची मुंबई की ओर। रेल से जाने वाले यात्री आबू रोड रेलवे स्टेशन जाएं, जो यहां से 1.5 घंटे की दूरी पर है। वहां से आप सुबह 11:30 के बाद निकलने वाली ट्रेन पकड़ें, जो 12 से 13 घंटे की यात्रा कर आपको मुंबई पहुंचा देगी। और हाँ, एडवांस में रिजर्वेशन कराना न भूलें। अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करें, जो कि 3.5 घंटे की दूरी पर है। वहां से आप दोपहर 3:30 के बाद निकलने वाली फ्लाइट का रिजर्वेशन एडवांस में करें, जो आपको 2 घंटे के भीतर शाम 5:30 बजे तक मुंबई पहुंचा देगी। आशा करता हूं आपको आइटिनरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय और जय हिंद।